हेलो माय डियर लेजी लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का हमारे चैनल दी लेजी लर्नर्स या TLL पर स्वागत है। यह सैनोनिम्स का थर्ड सेशन है, जिसमें हम 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैनोनिम्स के बारे में जानेंगे, जो कि लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी हमारे पिछले दो वीडियोज़ के फीडबैक दीजिए, ताकि मैं जान पाऊँ कि आपने कितना सीखा और क्या सीखा। ध्यान रहे, आपका यह फीडबैक हमारे लिए या फिर मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करती है, सो फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि यह वीडियो DU LLB लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम, MHCET लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम, BHU, AMU, PU LLB एंड अदर कंपटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा आज का पहला वर्ड है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब होता है पकड़ना या फिर अनुभव करना। सो एप्रीहेंड का मतलब होता है पकड़ना या फिर अनुभव करना। सो इसके सिनोनिम्स हो जाएगा नो या कैच एप्रीहेंड का सिनोनिम्स है। हमारा सेकंड है असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता। सो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हेल्प या फिर एड। हेल्प और एड असिस्टेंस का सिनोनिम्स है। थर्ड वन है हमारा एस्टोनिश। एस्टोनिश का मतलब होता है चकित या फिर अचंभे में डालना। सो एस्टोनिश का मतलब होता है चकित या फिर अचंभे में डालना। और इसके सिनोनिम्स हो जाएगा अमेज या फिर स्केयर या अमेज। हमारा फोर्थ वन है अटैक। अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना या फिर हमला करना। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा असॉल्ट या फिर वायलेट। असॉल्ट या वायलेट इसका सिनोनिम हो जाएगा। अटैक का मतलब होता है हमला या आक्रमण करना, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा असॉल्ट या फिर वायलेट। फिफ्थ वन है हमारा अटैनुएट का मतलब होता है दुर्लभ। दुर्लभ या फिर कम करना। सो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिमिनिश या फिर लेशन। एटेन्यूएट का मतलब होता है दुर्लभ या फिर कम करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा लेशन या फिर डिमिनिश। सिक्स्थ वन है हमारा एटिक का मतलब होता है अटारी का मतलब होता है अ स्पेस और रूम जस्ट बिलो द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग। इज नोन एज एटिक या फिर अटारी। सो इसका सिनोनिम हो जाएगा चेस्ट या एलिगेंट। सेवेंथ वन है हमारा एट्रीब्यूट का मतलब होता है विशेषता या फिर गुण। सो एट्रीब्यूट का मतलब होता है विशेषता या फिर गुण, जिसका सिनोनिम हो जाएगा अस्क्राइब
और चार्ज, अस्क्राइब और चार्ज इसका सिनोनिम हो जाएगा, अस्क्राइब और चार्ज एट्रीब्यूट का सिनोनिम हो जाएगा। एट्थ वन है हमारा ऑडेशियस, 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 ऑडेशियस या फिर ऑडेशियस इसको बोलते हैं, ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब होता है बोल्ड या फिर डेयरिंग। ऑडेशियस, ऑडेशियस का मतलब होता है बोल्ड या फिर डेयरिंग, जिसका हिंदी मीनिंग साहसी होता है। सो ऑडेशियस का मतलब होता है साहसी और इसका सिनोनिम हो जाएगा बोल्ड या डेयरिंग। नाइन्थ वन है हमारा ऑस्ट्रे, AUSTRE, ऑस्ट्रे, ऑस्ट्रे, AUSTRE, ऑस्ट्रे, जिसका सिनोनिम हो जाएगा स्टर्न या फिर अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग, अनरिलेंटिंग का मतलब होता है बेदर्द, बेदर्द या फिर बेरहम। सो ऑस्ट्रे का मतलब होता है बेदर्द, बेरहम, जिसका सिनोनिम हो जाएगा स्टर्न या फिर अनरिलेंटिंग। लास्ट वन है हमारा ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब होता है प्रामाणिक, प्रामाणिक या फिर विश्वसनीय, विश्वसनीय, जो विश्वास करने लायक हो। सो ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रामाणिक या फिर विश्वसनीय। सो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ट्रू और एक्यूरेट, ट्रू और एक्यूरेट ऑथेंटिक का सिनोनिम हो जाएगा। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, टेक केयर।